जनपद में किसानों के हित को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ पर श्रावस्ती में कृषि विभाग द्वारा कृषि मेले और गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद के किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कृषि स्टॉल और आधुनिक तकनीकी की मशीनरी के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को संबोधित किया। वहीं इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए दूर दराज के किसानों को बुकलेट और कैलेंडर के माध्यम से किसानों को जागरूकता का पाठ पढ़ाया। इस दौरान जनपद के 120 किसानों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो मनुष्य के मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां से मनुष्य की जीविका चलती है, उसकी सारी सुविधाएं हैं। सारे विभाग के अधिकारी अपने अपने यहां पे प्रदर्शनी लगाए हैं। सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं लॉन्च किया है, और ख़ासकर जो हमारी सरकार की मंशा है कि जैविक पर फसल उगाई जाए, सब्जी उगाई जाए, दूध उत्पादन किया जाए, जिससे तमाम बीमारियों से हमारे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके, इस पर ज़्यादा फोकस है। और तो सभी विभागों के लोग आज हमारे यहाँ 900 आवास स्वीकृत हुए हैं, उनकी भी सूची है। पशुपालन पे भी है, कृषि पर भी है, सभी विभाग के विभागाध्यक्ष आए हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया है, और जो सरकार तक जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी कर्मयोगी मुख्यमंत्री की सरकार कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या फॉर्मूला बीजेपी अपनाएगी? जैसे किसान की आय दोगुनी होगी, 2012 में 1200 रुपए में धान बिक रहा था, आज हमारा धान 1868 रुपए में बिक रहा है। उस समय गन्ने का मूल्य 225 रुपया था, आज गन्ने का मूल्य 330 रुपया है। किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो? आय दोगुनी नहीं है तो है क्या? और अगर जैविक पे लोग खेती करेंगे तो 2 गुना नहीं 3 गुना आय हो जाएगी किसानों की। जब भर्ती 1 रुपया लगेगी नहीं, पूंजी 1 रुपया लगेगी नहीं, और अच्छी तरीके से हमारे यहाँ फसलें उगाई जाएंगी, सब्जियाँ उगाई जाएंगी, तो किसान की आय अपने आप में 2 गुनी नहीं 3 गुनी होगी।